नमस्कार प्रणाम, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आप ईश्रम कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका खो गया है ईश्रम कार्ड, तो उसको कैसे आप ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे, आज के वीडियो में मैं वो बताऊंगा आपको। तो आपको क्या करना है, आपके मोबाइल ब्राउजर में इस तरह का कुछ साइट लिख देना है, जैसे कि यहाँ पे सर्च किया हूँ मैंने ishram.gov.in। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे आने के बाद, इस पोर्टल पे आ जाने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक अपडेट का जो रजिस्टर ऑन ईश्रम लिखा है उसी के नीचे अपडेट का ऑप्शन आया हुआ है, यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद इस तरह के पोर्टल पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको यूएन नंबर डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। तो आपके पास अगर इस यूएन नंबर है तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी रजिस्टर लिखा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट प्रोफाइल का एक ऑप्शन आया होगा, उसके बाद यहीं पे आपको क्लिक कर देना है। जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया था रजिस्ट्रेशन करते समय, जब ये ईश्रम कार्ड बनाया था तो उस समय मोबाइल नंबर दिया था, मोबाइल नंबर दे देना है और कैप्चर फिलअप करके सोन ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आपको वेरीफाई कर लेना है, उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर दिए थे ओटीपी देकर वेरीफाई करना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको आधार नंबर देना है। ठीक है, आपको आधार नंबर यहाँ पे दे देना है, उसके बाद यहाँ पे ओटीपी पे क्लिक कर देना है, जैसे कि इस तरह से आपको आधार नंबर दे देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ओटीपी पे क्लिक करना है। अगर मान लीजिए आपके आधार कार्ड में लिंक नहीं है मोबाइल, तो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, आपको किसी साइबर कैफे में जाना होगा। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर है लिंक है तो यहाँ पे ओटीपी पे क्लिक कीजिए। तो ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से कैप्चर ये फिलअप कर देना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है आपको। तो जैसे भी दोस्तों यहाँ पे सबमिट पे आप क्लिक करेंगे, इस तरह का कुछ ऑप्शन आएगा और जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पे देकर आपको वैलिडेट कर लेना है। तो इस तरह से कुछ हमारा वैलिडेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, जो अपडेट केवाईसी का ऑप्शन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं हमारा खुल गया है, जिनका भी है यहाँ पे नाम उनका दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसका डाउनलोड यूएन कार्ड का ऑप्शन आया होगा, यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं हमारा यूनियन कार्ड डाउनलोड हो गया, इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा यूएन कार्ड डाउनलोड हो गया है, इसको यहाँ पे हम इस तरह से डाउनलोड क्लिक कर देंगे, डाउनलोड इवन पर। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से ओपन कर लेंगे, इसको हम लोग प्रिंट करके रख सकते हैं या लेमिनेट करके भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग ईश्रम कार्ड आपका डाउनलोड कर सकते हैं, हो गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही जानकारी था। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जाने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम।